हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं धान की खेती में पहली खाद। अब हमारे जो किसान भाई हैं, धान की जो खेती करते हैं, अलग अलग अवधि वाली वैरायटी का चूज़ करते हैं। कुछ वैरायटी 90 से 95 दिनों में तैयार हो जाती हैं, तो वहीं कुछ वैरायटी 115 दिन से लेकर 135 दिन में तैयार होती हैं, और वहीं कुछ वैरायटी 140 से 160 दिन लेती हैं परिपक्व होने पर। अब ऐसी सिचुएशन पर जो वैरायटी का समय है, उसके हिसाब से भी फर्टिगेशन का जो अंतराल है, हमको अलग अलग रखना पड़ता है। लेकिन जो पहली खाद है, आपको कौन सी देनी चाहिए, कौन सी खादों को आप मिक्स कर सकते हैं, कौन सी खादों को मिक्स बिल्कुल भी भूल कर ना करें, और यदि आप मिक्स कर लेते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं मिलने वाले हैं। तो धान की फसल पर पौध रोपाई से कितने दिनों में हमको पहली खाद देनी चाहिए, और उन खाद पर आपको कौन कौन सी खादों को मिक्स करना है और क्यों करना है, इसकी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और पहली जो खाद है, इस पर वनस्पतिक वढ़वार और टेलरिंग की संख्या को बढ़ाने के लिए, कलनों की संख्या बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा रोल निभाएगी फर्स्ट फर्टिलाइजर्स। तो उपज और साथ ही फसल को मजबूत बनाने में अहम रोल निभाने वाली है, और साथ ही जो पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, सल्फर है, जिंक है, ऐसे पोषक तत्वों की धान की फसल पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और स्पेशल वेजिटेटिव जब बढ़वार होती है, तो उस समय जिंक और नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो धान में पहली खाद की सही स्टेज और सही मात्रा क्या है? नमस्कार दोस्तों, इन सभी की जानकारी के लिए वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना होगा। मैं हूं आपका दोस्त सिद्ध कुमार, और आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो जो खाद का कॉम्बिनेशन है, डोज है, पौध रोपाई से जब धान की फसल 8 दिन से लेके 15 दिनों के मध्य होती है, तो आपको 35 किलोग्राम यूरिया लेना है और 5 किलोग्राम आपको लेना है जिंक सल्फेट। अब जो जिंक सल्फेट 33% वाली आती है, तो जिंक की मात्रा है इसमें 33% और सल्फर की मात्रा है इसमें 15%। तो यूरिया 35 किलोग्राम और 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट। और वहीं इसके साथ आप यदि दानेदार कीटनाशक का प्रयोग कर लेते हैं, दानेदार कीटनाशक कौन सा, जिसमें कॉम्बिनेशन हो क्लोर एंट्रा नीलपिरोल का, जो फर्टेरा पर आता है, 2 किलोग्राम लेना है। जो दानेदार कीटनाशक है, यह एक सिस्टमिक कीटनाशक है, स्पेशल धान की फसल पर, जैसे पत्ता लपेट है, तना छेदक है, इनकी रोकथाम करने के लिए, और भी जो जड़ों के पास जो कीट लगते हैं, तो उनकी रोकथाम करने के लिए आप चाहें तो दानेदार कीटनाशक फर्टेरा 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से जानकारी हम दे रहे हैं। इन तीनों को मिक्स करके आप प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास दे दीजिए। लेकिन यदि आप चाहें तो आप पोटास की पूर्ति करने के लिए, जब आप इस डोज को दे रहे हैं, यानी 35 किलोग्राम यूरिया, 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, और उसके साथ आपको 2 किलोग्राम फर्टेरा दानेदार कीटनाशक के साथ, यदि आप चाहें तो पहले डोज पर आप, यदि आप इस डोज के साथ 25 किलोग्राम MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटास को मिलाकर देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जैसे ही आपने यूरिया जिंक सल्फेट के साथ यदि MOP को मिला लिया है, तो जल्दी से जल्दी, जी हाँ किसान भाइयों, जल्दी से जल्दी जो आपने कॉम्बिनेशन, जो आपने डोज तैयार किया है, मिश्रण तैयार किया है, उसको आपको देर तक नहीं रखना है। जल्दी से जल्दी आपको अपने खेत पर दे देना है, जड़ों के पास बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो ध्यान रखें, MOP भी आप मिला सकते हैं जिंक सल्फेट के साथ, यूरिया के साथ, लेकिन यदि मिला रहे हैं तो जो आपने मिश्रण तैयार किया है, उसको जल्दी से जल्दी आप दे दीजिए, अच्छे परिणाम और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाएगी, सल्फर की भी पूर्ति हो जाएगी, जिंक की भी पूर्ति हो जाएगी, और साथ ही पोटास की भी पूर्ति हो जाएगी। बाकी आप किसान भाइयों, जिंक सल्फेट को कभी भी कैल्शियम नाइट्रेट के साथ, अमोनियम फास्फेट के साथ, या फिर DAP के साथ बिल्कुल भी ना मिलाएं। ध्यान दीजिए, DAP को आप जिंक सल्फेट के साथ, फेरस सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ बिल्कुल भी ना मिलाएं। और आप DAP को, जिंक को, यूरिया को, MOP को, इनको भी एक साथ मिलाकर आप अपनी धान की फसल पर प्रयोग ना करें। जिंक को आप फास्फोरस के साथ भी ना मिलाएं। बाकी बेहतरीन रिजल्ट के लिए धान की फसल पर यूरिया, जिंक सल्फेट और आप MOP को मिक्स करके पहली खाद पर दे सकते हैं। अब धान की अवधि के आधार पर भी खाद का डोज दिया जाता है। यदि मान लीजिए आपकी धान की फसल 90 से 95 दिनों वाली वैरायटी है, तो आप 8 से 15 दिनों के मध्य आप इस कॉम्बिनेशन को दे सकते हैं। और यदि
आपकी धान की जो फसल की जो वैरायटी है 115 से 125 दिनों वाली वैरायटी है तो आप एक काम कर सकते हैं 8 दिनों से लेकर 17 दिनों की मध्य दे सकते हैं। और यदि आपने कुछ ऐसी वैरायटी को लगा रखा है जो 140 से 160 दिनों में तैयार होती है तो आप एक काम कर सकते हैं 10 दिन से लेकर 20 दिनों की मध्य आप पहली खाद का डोज दे सकते हैं। बासमती जो वैरायटी होती है धान की, इन वैरायटी पर आप यूरिया का इस्तेमाल 45 किलोग्राम से 60 किलोग्राम की दर से इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइब्रिड वैरायटी पर आप 45 किलोग्राम से लेके 90 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई यदि सामान्य वैरायटी है तो आप 45 किलोग्राम से लेके 90 किलोग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपनी धान की फसल पर। यदि आपको लगे कि आपकी धान की फसल पर कोई ऐसे जड़ों के पास काटने वाले कीट नहीं हैं तो आप जो दानेदार कीटनाशक फर्टेरा को भी अलग कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो पर हमने धान की फसल पर फर्स्ट जबरदस्त कॉम्बिनेशन के बारे में बताया। यदि आपने वीडियो को अंत तक देखा है, वीडियो को पसंद किया है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।